वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की बड़ी न्यूज है, अफगानिस्तान में घुस रहा पाकिस्तान, पीओके में हो गया खेल। चलो देखते हैं आज का वीडियो, पता करते हैं क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर वही हुआ है जिससे पूरा पाकिस्तान डरता है। जिस समय पाकिस्तान अपने कदम अफगानिस्तान में बढ़ा रहा था, ठीक उसी समय पाकिस्तान के पैरों के नीचे से पीओके की जमीन थोड़ी और खिसक गई। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जो चिंगारी भड़की थी वो अब धीरे धीरे आग के रूप में बदलती जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के आते ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक घिनौनी चाल चली थी। दरअसल तालिबान के सत्ता कब्जाने के बाद पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को पीओके भेज दिया। वहां पहुंचकर इन आतंकियों ने कई रैलियां की और अफगानिस्तान में तख्ता पलट की खुशियां मनाई। लेकिन अब पीओके के लोगों ने इन आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीओके के पलांदरी इलाके में हजारों की संख्या में लोग उतर आए और सड़कों पर प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ पीओके की महिलाएं भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस प्रदर्शन में शामिल हुई। वहां के लोगों ने जमकर पाकिस्तान से आजादी के नारे लगाए। इन नारों की गूंज सिर्फ पीओके में ही नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया में गूंज रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना उन पर जमकर अत्याचार करती है और इस इलाके को आतंकवाद की फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करती है। वहाँ के लोग अगर पाकिस्तान या उसके पाले हुए आतंकियों के खिलाफ बोलते हैं या विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनके साथ क्रूरता की जाती है, उन्हें परेशान किया जाता है और उन्हें बेवजह प्रताड़ित भी किया जाता है। पीओके के लोगों का कहना है कि वो तब तक हार नहीं मानने वाले जब तक उन्हें पाकिस्तान से आजादी नहीं मिल जाती। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं। हाल ही में पीओके को लेकर हलचलें भी तेज हो गई हैं। वैसे इस वक्त इमरान खान परेशान है, वो किसी भी कीमत पर इन प्रदर्शनों को दबाना चाहते हैं। इमरान खान का ये पीओके वाला डर नया नहीं है, इसी डर के चलते पाकिस्तान ने चीन को पीओके में खुली छूट दे रखी है। उसे लगता है कि चीन पाकिस्तान को इस विरोध को दबाने में साथ देगा। पाकिस्तान को लगता है कि वो चीन की मदद से इन आजादी के नारों को दबा देगा। वैसे चीन भी पाकिस्तान के इस डर का पूरा फायदा उठा रहा है। चीन ने पीओके में भारी निवेश कर रखा है और उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना यहीं से होकर गुजरती है। चीन भी फिलहाल चाहता है कि पीओके में इस तरह के प्रदर्शन ना हो, क्योंकि इस विरोध के चलते पीओके में काम कर रहे चीन के कर्मचारियों पर अब हमले तक होने लगे हैं। पाकिस्तान और चीन जिस तरह से पीओके को बर्बाद कर रहे हैं उसके चलते अब ये प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए पीओके में उठती आजादी की आवाज को दबाना अब बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अब इन आजादी के नारों की गूंज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वैसे आपको बता दें कि इन नारों की आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कानों तक भी पहुंच रही है, जो पहले ही अपने इन बयानों से पाकिस्तान को बेचैन कर चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? तो फ्रेंड्स, न्यूज तो बड़ी कमाल की है। ऐसी पहले भी हमने की थी, पर उसमें जब क्राउड देखा था वो इतना बड़ा और इतना नहीं था। इसमें तो ऐसे लग रहे जैसे सारे लोग ही इकट्ठे हो उस गांव के। हाँ, बहुत ही मतलब ज्यादा लोग दिख रहे थे और जिस तरह से बोल रहे हैं कि अब हम छीन के लेंगे आजादी,
अच्छा है, अब उनको पता चलेगा कि वहां पे उन्होंने दबा के रखा हुआ था, लोगों को बोलने नहीं दे रहे कि उनको कहाँ जाना है, आजादी चाहिए उनको नहीं चाहिए, कि कश्मीर ये आपको बने रहना है पाकिस्तान का पार्ट कि नहीं बने रहना। तो ऑब्वियसली जब तुम जुल्म करोगे, वहां डेवलपमेंट नहीं करोगे और उनको बैडली ट्रीट करोगे, तो फिर कभी ना कभी तो आवाज उठेगी, और अब उठ रही है। और वो जो उन्होंने दिखाया था अमित शाह की जो स्पीच है, वो तो हमने सुनी थी, और उससे लग रहा है कि इंटेंशन पूरी है कि पीओके जो है वापस इंडिया के पास आना चाहिए। मेरे ख्याल से अब और स्ट्रांगली भी बोलना चाहिए कि जो भी चाइना वहां कर रहा है वो इलीगल है, उसको अभी स्टॉप करो, आगे काम करने नहीं देना चाहिए, और चाइना को वहां से बाहर निकालना चाहिए। जो भी स्टेप्स लेने हैं वो जल्दी जल्दी लेके उनको वहां से निकालना चाहिए, पहले वो काम रोकना चाहिए। एक बार वो काम रुकेगा तब उनको झटका लगेगा, बाकी लगेगा कि ये हमारा पार्ट नहीं है, हम इलीगली वहां पे काम करवा रहे हैं, वो भी चाइना से, खुद नहीं वो भी चाइना से, जैसे वो कह रहे हैं ना चाल चल रहे हैं। पर देख के न्यूज क्या मतलब मजा आ गया देख के, कि देखो वहां से अब आवाज उठने लग गई है। अब धीरे धीरे मैं वेट करूं कि वहां से आवाज उठे और बोले कि हमें इंडिया का पार्ट बनना है, आजादी के बाद हमें इंडिया के साथ जुड़ना है, तब मजा आ जाएगा वाकई। राइट, इसमें बहुत ही सिंपल बात है कि जब पीओके के लोग जो हैं, जब वो सरहद के पार, बॉर्डर के पार देखेंगे, उनको लगता है कि ये तो फॉरेन कंट्री है, वहां पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, रुपए की पावर तो है ही बेटर उससे पाकिस्तान रुपी से, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका इतना हाई है। जब रिलेटिव्स देखेंगे कि भाई हमारे वहां पे कजन है, वो देखो कितनी अच्छी उनको एजुकेशन मिल रही है, वो देखो कितनी अच्छी पोजीशन में है, कितना पैसा कमा रहे हैं, उनका गाड़ी है, बंगला है, कंपेयर देखो हमने भी मेहनत की है, मगर वहां देखो कितनी तेज है। अगर कोई फार्मर है तो बोलेगा फार्म में इतना सौगाता हूँ, वो देखो कितना उगाई जा रहे हैं, कहाँ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब लोगों को ये नजर आएगा कि जो भी बंदा इस बॉर्डर के उधर है उसका कमाल ही हो जा रहा है, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसकी एजुकेशन देखो, उसका ठाटपट देखो, वो वहां से हमारे यहाँ पे आते तो हम तो पूरे लल्लू लगते हैं उनके कंपेयर, वहां टेररिज्म है, उनको रियलाइज हो गया कि यहाँ पे मारा मारी आपको यार, मतलब जब उनको ये एक दिन एहसास होने लग जाएगा कि बॉस वहां की लाइफ देखो और यहाँ की देखो, तब उनको क्लियरली पता लग जाएगा कि हमने गलती कर दी इस साइड को चूज करके, या हमें उस साइड पे जाना है किसी भी हालत में, हमें रिवोल्ट करना है और बोलना है कि भाई हम तो उधर ही से मिल रहे हैं और कुछ नहीं। और जैसे रशिया को उन्होंने करा था, पता नहीं कौन सी कंट्री से बोला था, रशिया ने आके बचाया था, सिमिलर इनको बोलना पड़ेगा कि हम डिमांड करते हैं कि आप आइए और हमें लिबरेट करिए, हम कश्मीर में अब जैसे हमारे भाई उधर हैं वैसे बनना है, हमें वैसे चाहिए। तो वो दिन की वेट होगी, अभी रिवोल्ट ठीक है क्योंकि लोगों को रियली रिजल्ट देखना है। ये जो टेररिज्म की वजह से ना जो भी पता चल, जो भी आप नारे कर लीजिए उसको वो क्रश कर देंगे, वो हर चीज आप जो भी अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है नहीं है जो भी है उसको क्रश कर देंगे। परंतु जब उनको क्लियरली दिखेगा कि साथ वाली कंट्री, फिर उसे साथ वाली कंट्री ग्रेट है, फिर कोई भी रिवोल्ट क्रश नहीं कर पाएगा, फिर वो बोलेंगे देखो ये तो मेरे आंखों के सामने है, वहां से लोग आते हैं उनको देखो, हमारे रिश्तेदार वहां पे उसको देखो, तो सभी लोग बोलेंगे हमें तो भाई इमिग्रेशन करनी है, वो तो अप्लाई करेंगे, उधर जाना है इधर जाना है, मतलब जो भी है वो लोग वाकिफ कोशिश करेंगे उधर आने की, फिर चेंज आएगा। तो आई होप कि वो, क्योंकि अभी जो है एक जरिया मैंने बताया था लड़ाई झगड़े का, कि पाकिस्तान अटैक करे फिर इंडिया अटैक करके करे, उससे भी लोग परेशान होंगे कि भाई तुमने हमारे ऊपर अटैक कर दिया ये वो, उससे बेस्ट यही है कि लोगों की खुद विश होनी चाहिए कि हमें जाना है, फिर कोई रोक नहीं सकता। काफी अच्छा, चिंगारी तो लग गई है भाई, अब उसको बस आग बदने, वो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इंडिया की साइड का कश्मीर को बड़ा जबरदस्त कर तो रहे हैं भाई, इतना न्यूज में आता है, बिल्कुल बहुत हो रही है। हमने एक वीडियो भी किया था काफी पहले कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है कश्मीर में, अमेजिंग था सुन के उसके बारे में, और अब तो और भी होगी होगी उस टाइम से, बिल्कुल इस टाइम तक। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।